जय हिंद दोस्तों। अगेन फर्दर हम डायरेक्ट टाइप को कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेक्चर में हम यह जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियसली कहा कि डाटा टाइप जब हम बात करते हैं तो डाटा टाइप कहने का सेंस दिस इज द साइज ऑफ मेमोरी से है, नेचर ऑफ मेमोरी से है, नेचर ऑफ मेमोरी से है एंड कंट्रोलेबल स्लैश अनकंट्रोलेबल मेमोरी से है, अनकंट्रोलेबल मेमोरी से है, अनकंट्रोलेबल मेमोरी से है। ये हमने जाना, साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल किसे कहते हैं। थोड़ा सा इसको रेफर करेंगे कि व्हाट इट मीन बाई साइज ऑफ द मेमोरी, साइज ऑफ द मेमोरी से कैसे है या डिफरेंट डिफरेंट साइज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो जैसे कि हमने कह दिया कि जब हम साइज ऑफ द मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हम साथ ही साथ नेचर ऑफ द मेमोरी की भी बात कर रहे हैं, और जब हम नेचर ऑफ द मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हमने कल डिस्कस पहले हमने डिस्कस किया था कि नेचर का सेंस क्या है, कि ये जो मेमोरी यहां पर दिखाई देती है या तो ये इंटीजर है, या फिर ये जो मेमोरी दिखाई देती है वो क्या है, या फिर ये जो मेमोरी दिखाई देती है ये फ्लोट है। या तो ये जो मेमोरी दिखाई दे रही है या तो वो इंटीजर है या फिर वो क्या है, फ्लोट है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहले भी कहा था कि इंटीजर को फर्दर चार सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, और यहां पर कहा गया था कि ये कैर होती है, या तो ये शॉर्ट हो सकती है, या तो ये इंट हो सकती है, या फिर ये लॉन्ग इंट हो सकती है। एंड जब फ्लोट को हमने फर्दर डिवाइड किया था तो यहां पर फ्लोट को हमने फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया था, ये फ्लोट हो सकती है, ये डबल हो सकती है, ये लॉन्ग डबल हो सकती है, इस तरह से हमने डिवाइड किया था। साथ ही साथ हमने बताया था कि कैर, अगर मेमोरी कैर है तो 1 byte साइज होगा, 2 byte साइज होगा, 2/4 byte साइज होगा, हार्डवेयर डिपेंडेंट होगा, विंडो पर 2 byte होगा, यूनिक्स पर 4 byte होगा, लॉन्ग इंट 4 byte साइज होगा, फ्लोट भी 4 byte होगा, double 8 byte होगा, double 8 byte का साइज होगा एंड लॉन्ग double 10 to 14 byte होगा। ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो जनरल है वो ये निकल कर आता है कि जब मेमोरी केवल 2 ही तरह की हो सकती है, जब उसमें 2 ही तरह की हो सकती है तो ये वेरिएबल साइज क्यों, जब हमें पता है कि मेमोरी या तो इंटीजर हो सकती है या फिर फ्लोट हो सकती है, यानी मेमोरी के अंदर जो डाटा आ रहा है या तो वो इंटीजर हो सकता है या फिर वो फ्लोट हो सकता है, तो फिर ये जो साइज का वेरिएशन क्यों है ऐसा वेरिएशन। तो इसको समझने के लिए हम ये जान सकते हैं, सपोज कर लेते हैं मैं आपके घर आता हूं, स्टॉप करो। हाँ, तो जैसा कि हमने यहां पर कहा कि डाटा टाइप का जो साइज है वो वेरिएबल क्यों होता है, यानी यहां पर डाटा साइज का, डाटा टाइप का जो साइज है तो अलग अलग क्यों रखा गया, एक ही क्यों नहीं रख दिया गया, जबकि इंटीजर एक डाटा टाइप था, फ्लोट एक डाटा टाइप था, तो साइज भी इंटीजर का एक हो सकता था, फ्लोट का साइज भी एक हो सकता था, इतने डिफरेंट साइजेस को बनाने की रिक्वायरमेंट क्या थी। एक छोटा सा क्वेश्चन जो अक्सर अगर मैं पूछता हूँ आप सभी से भी पूछता हूँ, सपोज मैं आपके घर आता हूँ, मुझे आपसे चाय पीनी है, आपके घर मैंने कहा कि ठीक है चाय बनाकर लेकर आओ और चाय में थोड़ा सा शुगर भी डालकर लाना, ठीक। सपोज आप चाय बनाने जाते हैं, चाय बनाने के बाद आपने शुगर अपने घर में रखी हुई है कहीं किसी बॉक्स में, और सपोज आप मार्केट से 1/2 kg शुगर लेकर आते हैं और उसके लिए उस 1/2 kg शुगर को स्टोर करने के लिए जो पानी की टंकी होती है ऊपर तक, कहीं देखा होगा 10 टन की टंकी होती है, कई बार तो 100 टन की टंकी होती है ना, आप 100 टन की टंकी में आप उस 1 kg शुगर को स्टोर कर देते हैं या 1/2 kg शुगर को स्टोर कर देते हैं, अब क्या लगता है कि वो जो 1/2 kg शुगर जो आपने 100 टन की या 10 टन की जो आपके पास जो वाटर बॉक्स था, जो टंकी थी या जो बॉक्स था, क्योंकि वो भी तो बॉक्स था, स्टोरेज पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक है ना, आपने उसमें इसको रख दिया, अब आप उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या कलेक्ट कर पाएंगे, कलेक्ट कर भी लेंगे, मैं मना नहीं करता कि आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप कलेक्ट कर भी लेंगे तब भी दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज वेस्टेज ऑफ मेमोरी, वो वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा एंड वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी होगा। दूसरा इसका रिवर्स देखते हैं, सपोज मार्केट से आप 10 kg शुगर लेकर आते हैं, मार्केट से आप 10 kg शुगर लेकर आते हैं और आप बॉक्स लेकर आते हैं 1/2 kg का, क्या लगता है उस 1/2 kg की बॉक्स में 10 kg शुगर स्टोर हो जाएगा, नहीं होगा। बेसिकली यहां पर जो हमारा जो यहां पर जो पर्पज है वो बेसिकली टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ को कंट्रोल करने का भी है, टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ को
कंट्रोल करने का भी है। ये जो टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ की जब हम बातें करते हैं तो हम यहाँ पर बेसिकली ये बात करते हैं कि जब किसी प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो इस तरह से एल्गोरिथम को हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि कम से कम समय में उसका एग्जीक्यूशन हो जाए। स्पेस की बात हम ये करते हैं कि स्पेस वो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कम से कम ही ऑक्यूपाई करना चाहिए, बट फिर भी अगर किसी पैरामीटर को कंट्रोल करना है तो हमेशा हमें टाइम को कंट्रोल करना है क्योंकि टाइम इज लिमिटेड टू ईच एंड एवरीवन। टाइम हमेशा हर व्यक्ति के लिए क्या है, तो टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ पहले हमने डिस्कशन किया। तो टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ में हमने ये कहा कि समय सभी के पास लिमिटेड होता है, 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं तो टाइम हमारा मिनिमम एग्जीक्यूशन का होना चाहिए, लेकिन स्पेस इज अ परचेजेबल इवेंट, स्पेस को परचेज किया जा सकता है, स्पेस को कंट्रोल किया जा सकता है, तो स्पेस इतना नेसेसरी नहीं है। फिर भी यहां पर क्योंकि टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ को हमें कंट्रोल करना है, कॉस्टिंग को कंट्रोल करना है, इसलिए यहां पर ये कहा गया कि ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स है जो हमने यहां पर लिए हैं इसका पर्पस सिर्फ एफिशिएंसी है। क्या है, एफिशिएंसी है कि अगर आपके पास डाटा केवल एक बाइट का है, इफ यू हैव द डाटा ऑफ 1 byte देन यू हैव टू चूज द बॉक्स ऑफ 1 byte, सो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द इंटीजर दैट इज नोन एज द केयर। अगर आपके पास डाटा 1 byte का ही है तो आपको क्या करना चाहिए, साइज आपको 1 byte यानी केयर को ही देना चाहिए। अगर आपके पास डाटा 2 byte का है तो साइज आपको सॉर्ट का लेना चाहिए। इंटीजर अगर साइज आपका 2 या 4 byte है और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो की जगह यूनिक्स है तो इंटीजर ले सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग ले सकते हैं। ऐसे ही फ्लोट में भी इस चीज को हमने यहां पर देखा, उसके हिसाब से हमने साइज को यहां पर क्या किया, वेरी किया। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, जब बात इंटीजर की आती है तो इंटीजर नंबर को हमने चाइल्डहुड डेज में पढ़ा कि ये हमेशा एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं। किससे रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, बीच में 0 होता है। ठीक, डेफिनेटली जब हम किसी को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो कंट्रोल करने का सिंपल सा सेंस होता है कि इस नंबर लाइन पर ही हमारा नंबर कहीं ना कहीं वेरी करता है। तो जब हम इस इंटीजर की बात करते हैं, क्योंकि डाटा जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो इंटीजर कहलाता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि एक जो नंबर है उसका रेंज क्या होगा, तब हम कौन से डाटा टाइप के साइज को ऑक्यूपाई करेंगे। तो जनरल अगर हम करेक्टर की बात करते हैं तो टोटल नंबर, क्योंकि 1 byte इक्वल टू 8 bit होता है, 8 bit का मतलब टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कैन बी हैंडल्ड बाय नॉलेज 2n, ये 2n से रिप्रेजेंट होते हैं, वेयर n इज द साइज ऑफ डाटा टाइप होता है, इन द फॉर्म ऑफ बिट होता है। तो 2n इक्वल टू 256 यानी 256 करेक्टर को या 256 वैल्यू को एक कैट डाटा टाइप के द्वारा हैंडल किया जाता है। 256 करेक्टर को या फिर 256 नंबर्स को इस कैट डाटा टाइप के द्वारा हैंडल किया जाता है। जब हम सॉर्ट की बात करते हैं तो सॉर्ट का साइज 2 byte होता है, एंड 2 byte का मतलब 16 bit से होता है, तो 2 की पावर 16 इक्वल टू 65536 या तो करेक्टर को या फिर नंबर्स को यहाँ पर हैंडल किया जाता है। क्योंकि जब हम डाटा टाइप के आगे साइंड अथवा अनसाइंड, ठीक है ना, वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप होते हैं वो साइंड नेचर के होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप होते हैं वो क्या नेचर के होते हैं, साइंड नेचर के होते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप साइंड नेचर के होते हैं। तो यहां पर ये जो 256 यहां पर जो वैल्यूज हमें दिखाई देती हैं या 65536 जो वैल्यू दिखाई देती हैं वो कुछ तो नेगेटिव रेंज में होती हैं, नंबर लाइन पर कुछ नेगेटिव में होती हैं और नंबर लाइन पर कुछ पॉजिटिव रेंज में होती हैं। तो अगर यहां पर थोड़ा सा इसको और डिस्कस करें और थोड़ा सा यहां पर उसको देखें तो यहां पर कुछ इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप होता है तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो फॉर्मूला 2n होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स होता है, लेकिन जब हमें इसका रेंज को जब हमें कैलकुलेट करना होता है, रेंज माइनस का 2n-1 से प्लस का 2n-1 तक होता है, 2n-1 से 1 तक होता है। अतः जब हमें इस करेक्टर की जब हम बात करते हैं
तो करेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कैर का जो साइज होता है वो 1 byte होता है, 1 byte मतलब 8 bit के इक्विवेलेंट होता है। जब हम 8 bit की बात करते हैं तो इट इज द 2 की पावर 8 यानी 256 टोटल नंबर ऑफ करेक्टर इसके द्वारा हैंडल होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो इसके द्वारा हैंडल होती है वो 256 होती है, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर जो इसके द्वारा हैंडल होते हैं वो 256 होते हैं। जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो फॉर्मूला माइनस का 2 की पावर n-1 से प्लस का 2 की पावर n-1 प्लस n-1 -1 होता है, अतः 2 की पावर -2 की पावर 8-1 यानी 7 से प्लस का 2 की पावर 7-1 होता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है -128 से लेकर प्लस का 126 तक। अतः इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं कैर एक्स, तो जो एक्स नाम का जो रैम के अंदर जो मेमोरी बना है, इस एक्स नाम का जो रैम के अंदर जो मेमोरी बना है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू जो स्टोर हो सकती है वो माइनस का 128 स्टोर हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू जो स्टोर हो सकती है वो प्लस का 127 स्टोर हो सकती है। इस तरह से हम जितने भी डाटा टाइप यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सभी का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सभी का टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स को इंटीजर्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी मेमोरी के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है। तो ये भी एक डाटा टाइप को समझने का एक नया अंदाज था। इस तरह से भी हम डाटा टाइप को स्टडी कर सकते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा डाटा टाइप कितने साइज को ऑक्यूपाई करता है, एज वेल उसकी टोटल लिमिट क्या हो सकती है, एज वेल नेगेटिव रेंज में कितना जा सकता है, पॉजिटिव रेंज में कितना जा सकता है, बशर्ते कि ये डाटा टाइप आपका साइंड डाटा टाइप है। तो बशर्ते कि ये डाटा टाइप आपका साइंड डाटा टाइप है, तो अनसाइंड डाटा टाइप की भी आगे चलकर हम बातें करेंगे। धन्यवाद।